हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे सारे ही बर्थडे गिफ्ट्स, जो कि आप सबके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। मैंने आपसे पूछा था कि मुझे शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप लोगों ने बोला कि हाँ दी करना चाहिए। सो आई थॉट कि मैं सारी ही चीज़ें रखने से पहले आप सबके साथ शेयर करूँ। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो मेरे पास जो है वो नितिन की तरफ से है। तो आई हैव दिस ब्यूटिफुल सी पायल जो नितिन ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की है। लेट मी शो यू विद एक चांदी का सिक्का, कुछ इस तरीके का है। और ये नितिन के पास ना काफ़ी टाइम से था, बहुत पुराना है, तो ये उसने मुझे दिया है। सो या फर्स्ट चीज़ ये थी, एंड देन लुक एट दैट, जिसमें से गिर गई। ओके गाइस, तो मुझे ये पायल नितिन ने गिफ्ट की है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रीटी लगी। एंड लुक एट द साउंड, यार नहीं ज़्यादा सुंदर है। तो कुछ इस तरीके की इसमें लेयर बनी हुई है, डिज़ाइन वाइज भी ये मुझे बहुत सुंदर लगी। वो ये है मेरा फर्स्ट गिफ्ट जो कि नितिन की तरफ से है, और ये मुझे बहुत सुंदर लगा। जो मेरा नेक्स्ट गिफ्ट है वो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, दिस ब्यूटीफुल सूट। मैंने इसका रिव्यू भी किया है, एंड यार ये बहुत सुंदर है। तो नितिन ने इसे मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने इसी ड्रेस को वेयर किया था। एंड इट्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट, बहुत ही सुंदर है। तो मैंने इसका रिव्यू कर रखा है, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, जाके जरूर देखना पूरा इसका रिव्यू। ओके, ये था नितिन की तरफ से। आफ्टर दैट नितिन के ही वाले गिफ्ट्स दिखा देते हैं। आफ्टर दैट नितिन ने मुझे दिलाई हैं ये ब्यूटीफुल सी पूमा की स्लीपर्स, जो कि मुझे काफ़ी सुंदर लगी। एंड लुक एट द कलर, इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है। सो या दिस इज़ माई थर्ड गिफ्ट फ्रॉम नितिन साइड, जो कि मुझे बहुत सुंदर लगा। और मेरा जो फोर्थ गिफ्ट है ना यार, उससे मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैं दिखा देती हूँ। कैमरा मेरा अभी लगा हुआ है। बाय द वे, मेरी वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लग रही है मुझे बताना ज़रूर। तो नितिन ने मुझे दिलाया है सैमसंग का S23 Ultra, जो कि बहुत ही मज़ेदार तड़कदार कैमरे वाला फ़ोन है। तो यार ये बहुत सुंदर है। अगर आपको नया व्लॉगर बनना है ना, इस फ़ोन को ले लो, अगर बजट हो तो बहुत सही वाला है। ओके, सो दिस इज़ द बॉक्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, आफ्टर दैट इसमें क्या क्या है भाई। ओके, दिस इज़ मेरे पुराने फ़ोन का डब्बा, सो एक्सक्यूज़ उसको करना। इसके साथ मुझे मेरे पॉइंट्स मिल गए थे, तो मुझे अडेप्टर फ्री मिला है। एंड दिस इज़ सैमसंग S23 Ultra का डब्बा, जो कि हमने लिया है क्रीमिश कलर। ने मुझे दिलाया है 512 GB, क्योंकि मेरी स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाती है। नितिन ने मुझे आईफोन दिलाया था, उसकी स्टोरेज हमने ली थी 256 GB कुछ, लेकिन वो भी मेरा फुल हो जाता है। तो अब की बार नितिन ने बोला अब तू 512 GB ले। तो पीछे इसका प्राइस वगैरह मेंशन, थोड़ा बहुत हमें डिस्काउंट मिल गया था इस पर। सो या दिस इज़ नेक्स्ट गिफ्ट। मैं गिफ्ट भी भूल गई कि कितने नंबर पे था ये। तो ये भी नितिन की साइड से ही है, और ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा। स्टार्टिंग में मुझे जब इसका कैमरा दिखा था भाई साहब, आई वॉज लाइक कि भाई मुझे कुछ और कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सही वाला मोबाइल मुझे मिल गया। नहीं सॉरी, एक चीज़ मेरे से मिस हो गई है, दिस ब्यूटीफुल रिंग। यार इसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। मुझे प्यारी सी रिंग गिफ्ट की है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड स्लीक सी है, क्योंकि जो मेरी इंगेजमेंट रिंग थी ना, वो मुझे पहनते हुए बहुत ज़्यादा वो बहुत हैवी रिंग है यार, तो वो मेरे पूरे हाथ पे ना ऐसे उसके यहाँ पे भी डायमंड्स है, यहाँ पे भी डायमंड्स, तो वो बहुत इरीटेट करती है। और वो आन्या को भी लग जाती है, क्योंकि जो उसका डायमंड है ना, वो ऐसे उठा हुआ है, ठीक है। और ये वाली है, ये थोड़ी सी स्लीक एंड अच्छी है, मतलब ये बहुत क्यूट सी है। वो तो है ही प्यारी यार, ऑफ कोर्स प्यारी है, वो इंगेजमेंट रिंग है, लेकिन मुझे ये भी बहुत सुंदर लगी। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं मेरी मम्मा के गिफ्ट पे। तो मेरी मम्मा ने मेरे लिए लेके आई थी ये स्लीपर्स, तो डब्बा मैं फेंक चुकी हूँ। 5 के स्लीपर्स हैं, क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी भाई इनकी। ये मिंत्रा से मेरी मम्मा ने मंगाए थे, मतलब ऑर्डर तो मैंने ही किया था, लेकिन गिफ्ट मम्मा की तरफ से था। ओके, ये भी मुझे बहुत सही लगे, खाली मम्मा की तरफ से नहीं है, मेरे घर वालों की तरफ से। आफ्टर दैट आपने मेरा ये वाला सूट तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैं बहुत ही प्यारी प्यारी सी रील्स पोस्ट करती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो आप अगर नहीं फॉलो कर रहे हो, तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल नेम है नेहा लव्स फैशन, वहाँ जाके फॉलो करना। मम्मी ने मुझे ये वाला सूट दिया था, जो कि ये सूट मम्मी ने स्टिच कराया है। तो गाइज लुक एट दैट, इट्स सो ब्यूटीफुल। पहली बात तो जो इसका कलर है भाई साहब, वो मुझे बहुत सुंदर लगा। एंड जो इसकी स्लीव्स है ना,
सी बहुत सुंदर है, इसका स्टाइल मैंने ही दिया था। एंड या इस तरीके से कुछ फ्रॉक स्टाइल में ये सूट है, नीचे इसके पैंट है जो कि अभी वॉश होने के लिए गई है, एंड दिस इज द दुपट्टा। ये ऑल ओवर सेम कलर का सूट है, लेकिन माई गॉड बहुत ज़्यादा सुंदर है। और जब मैंने इसे वेयर किया था तो सबने बहुत प्यारा भी बताया था। आफ्टर दैट मेरी मम्मी की तरफ से जो मेरा सेकेंड सूट है वो है ये सूट जो कि पिंक कलर में है। और मैं अपनी मम्मी को ये बोल रही थी, मम्मी मेरे पास पिंक कलर के सूट नहीं रह रखे, जबकि मैंने जब अपनी अलमारी छान के मारी तो भाई मेरे पास बहुत सारे पिंक सूट है। तो इसके स्लीव्स कुछ इस तरीके से है। एंड गाइज आपके कमेंट्स आ रहे थे कि दी अपना सूट कलेक्शन हमारे साथ शेयर कीजिए, तो डेफिनेटली मैं शेयर करने वाली हूँ एक एक करके सारी ही चीज़ें आप लोगों के साथ। तो ये सूट कुछ इस तरीके से है, सिक्वेंस स्टाइल में। इसका स्लीव स्टाइल मैंने ही अपने टेलर को बताया था, एंड बहुत प्रिटी है बाय द वे। नीचे से कुछ इस तरीके का इस पे स्टाइल है, पूरे पे सिक्वेंस है, एंड कुल मिला के ये सूट बहुत सुंदर है। इसका मैंने अभी तक किसे ट्राई नहीं किया, जब ट्राई करूँगी तो इंस्टा पर आपको रील मिल जाएगी, वहाँ जाके देखना ज़रूर। ओके, इसके साथ पजामा है एंड दुपट्टा है। दैट नितिन का एक गिफ्ट, नितिन ने वैसे ना मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, टी शर्ट्स वगैरह, पजामा वगैरह, उनका ना आप शॉर्ट जाके देखना, मैंने शॉर्ट पोस्ट किया था, मैंने लाइफ स्टाइल से खरीदा था। ओके, आफ्टर दैट नितिन ने एक ये ड्रेस दी थी लेकिन मुझे अभी तक पहनने का मौका नहीं मिला। एक्चुअली ये उसने जाके ही दिलवाई थी, एंड सो ब्यूटिफुल यार, ये ड्रेस मुझे देखते ही बहुत पसंद आ गई एंड बहुत सुंदर है। ब्राउन कलर के मेरे पास आज तक कुछ भी नहीं था, बस अब मैंने एक टॉप और खरीद लिया है। ठीक है, तो इसके मैं डिज़ाइन दिखाती हूँ। ये जिंजर ब्रांड का है आई गेस, तो लेट्स सी। या गाइस, इसका जिंजर जिंजर ब्रांड का है, एल साइज़ है, एंड ये 1699 का है, लेकिन मुझे बिल्कुल परफेक्ट आया है लार्ज साइज़ का। वैसे मुझे स्मॉल साइज़ आता है, लेकिन आई डोंट नो ये कैसे मुझे लार्ज साइज़ बिल्कुल फिट आ रहा है। ओके, जो इसके स्लीव्स का स्टाइल है ना वो मैं आपको दिखा दूँ, तो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आप देख रहे हो। लेकिन ये जो डोरी है ना, ये पीछे से जाके आप नेक को कितना भी टाई कर सकते हो, एंड पीछे इसके चेन लगी हुई है। मुझे थोड़ा सा लूज है, मुझे चेस्ट पे से तो टाइट कराना होगा, अदरवाइज टमी एंड हिप्स पे से मुझे सही है ये। आगे की साइड ये इस तरीके का थ्रेड का डिज़ाइन है, मैं इसे ट्राई ज़रूर करके दिखाऊंगी किसी ना किसी लुक में। तो यहाँ से ना आप इसको थोड़ा सा यूं भी कर सकते हो, लाइक समझ रहे हो ना आप लोग। ओके, अगेन ये बहुत सुंदर ड्रेस है, पीछे इसके बहुत ही ब्यूटीफुल से टैसल लगे हुए हैं। इट्स अ स्ट्रेट ड्रेस गाइज, और साइड में बस एक स्लिट है इसमें, या नीचे की साइड एक साइड हल्का सा स्लिट है। तो आप चाहो तो इसे लेगिंग के साथ भी डाल सकते हो, या फिर सिंगल एक ड्रेस बना के भी वेयर कर सकते हो। तो या अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको पसंद आती है ड्रेस, तो लाइफस्टाइल जाके आप इसे परचेज कर सकते हो, अदरवाइज आपको ऑनलाइन भी मिंत्रा पे शायद जिंजर मिल जाए, वहां आप चेकआउट कर लेना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ। दिस इज माई नेक्स्ट गिफ्ट, ये मेरी मम्मी और दादी की तरफ से है। तो ये अनस्टिच सूट है, लेकिन मैं इसे सिलवाने का बहुत सोच रही हूँ। लुक एट दैट यार, इसका कलर बहुत सुंदर लग रहा है, और ये देखो का दुपट्टा भी गिर गया। तो दिस इज द दुपट्टा, येलो कलर का है, और मुझे ना यार येलो कलर बहुत सुंदर लगता है। तो कुछ इस तरीके से है ये डिजाइन, मैं आपको दिखा दूं क्योंकि मैं इसे स्टिच कराने की सोच रही हूँ। ओके, मेरे पास पहले येलो कलर का सूट था, लेकिन वो आन्या टम्मी में थी तब का था, तो अब मुझे नहीं आता किसी में, मतलब बहुत लूज है। ओके, तो ये नेक पे इस तरीके का स्टाइल है, और पूरे पे कुछ इस तरीके का स्टाइल है, साथ में सलवार है इसके, इसका दुपट्टा है। सो गाइज, दिस इज माई नेक्स्ट सूट फ्रॉम मेरे घर वालों की साइड से। ओके, आफ्टर दैट आपको मैं ये बहुत ही प्यारा सा सूट पहने दिख रही होंगी, साइड में इसकी क्लिप भी डाल दूंगी। तो ये दिया था पूजा ने, और ये यानी मेरी भाभी ने, बहुत सुंदर लगा मुझे ये, क्योंकि मेरे पास इस तरह के कलर्स ना बिल्कुल भी नहीं थे। और दिस टाइम यार मुझे कॉटन में कुछ डिफरेंट ट्राई करना था, मैंने कहा यार मेरे पास मतलब इस तरीके के टैन कलर बिल्कुल भी नहीं है, मुझे ट्राई ज़रूर करना चाहिए। एंड आई वॉज लाइक यार ये मुझे सिलवाना चाहिए। तो गाइज ये सूट मैंने स्टिच कराया है, जिसके स्लीव्स आप देखो बहुत ही सुंदर सी है, मेंशन कर दूंगी साइड में। तो मुझे कुल मिला के ये गिफ्ट बहुत पसंद है। इसके बाद जो नेक्स्ट गिफ्ट आता है, ये है मेरी बुआ का लड़का सनी, उसकी वाइफ मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी बर्थडे का। तो उनको हमने खाने पे इनवाइट किया था, अगर आपने मेरा बर्थडे व्लॉग नहीं देखा जाके देखिए, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसने मुझे ये गिफ्ट दिया है, एंड आई रियली लव दिस सूट यार, लाइक लुक एट दैट। मुझे एक तो ये होता है ना कि कोई भी चीज देख के एकदम पसंद आ जाती है, ये उस तरह की लगी एंड अच्छा लगा मुझे ये सूट काफी। तो साथ में इसके दुपट्टा है, एंड सेम इसी तरह का इसमें यू नो सलवार का कपड़ा दे रखा है, और सूट कुल मिला के मुझे काफी सही लगा। लाइक ऊपर से इस तरीके का है, नीचे इस तरह का बॉर्डर आ जाएगा, एंड
ये सूट भी मुझे काफी सुंदर लगा। सो या दिस इज माय नेक्स्ट गिफ्ट। इसके बाद जो ये नेक्स्ट गिफ्ट है, ये मेरे लिए काजल लेके आई थी और साथ ही साथ वो मेरे लिए बैंगल्स भी लेके आई थी। तो बैंगल्स तो भाई मेरे दूसरे रूम में रह गए हैं, बट मैं उसकी फोटो अगर मेरे पास हुई तो साइड में मेंशन कर दूंगी। एंड साथ ही साथ मेरी मम्मा चूड़ा लेके आई थी, तो वो अब मेरा बर्थडे व्लॉग देखो उसमें जाके आपको दिखेगा। एंड मैं सोच रही हूँ उस चूड़े का रिव्यू भी करना, क्योंकि यार वो बहुत सही रेट में और काफी सुंदर सा था। तो या चलो काजल का गिफ्ट दिखाती है पहले। तो काजल ने मुझे ये पिंक कलर का सूट दिया है, जो कि मुझे देखने से बहुत सुंदर लगा। कलर तो मुझे एकदम से पसंद आ गया, लाइक कुछ चीजें होती है ना कि एकदम से देखते ही पसंद आ जाती है। तो साथ में इसके पिंक कलर का ही यू नो सलवार का कपड़ा है, दुपट्टा है, एंड कुल मिला के मुझे ये सूट काफी अच्छा लगा। इसके स्लीव्स का डिजाइन, ओके गाइस स्लीव्स का डिजाइन कुछ इस तरीके से। आई डोंट नो कि मैं थोड़े बहुत गिफ्ट भूल रही हूँ, तो क्योंकि सब कुछ इधर उधर हो गया और जो चीजें मेरे सामने आई। हाँ, इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, मेरी मम्मी और पूजा आन्या के लिए भी ड्रेस लेके आई थी, और पूजा मेरी मम्मी एंड मेरी जो बुआ के लड़के की वाइफ है वो भी नितिन के लिए यू नो सफारी सूट का कपड़ा लेके आई थी, जो अनस्ट्रिच होते हैं। ब्यूटीफुल, तो कुछ इस तरीके का इसका डिजाइन। ओके, सो यही थे मेरे सारे ही बर्थडे गिफ्ट्स जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किए। और सबसे प्रेशियस गिफ्ट जो था वो सबका विश करना था, सबका मुझसे इतना ज्यादा प्यार करना था। बस मुझे बहुत खुशी हुई कि उस टाइम जब मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी तो सब लोगों ने आके मेरा दिन बहुत स्पेशल बनाया। एंड हर चीज की डेकोरेशन मेरी कजन्स ने कर रखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सारी ही चीजें बहुत क्यूट लगी, और मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं अपने बर्थडे वाले दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एंड 5 बजे तक ऐसा माहौल था कि मैं कंबल लेके लेटी हुई थी, लेकिन आफ्टर दैट सब आने लगे और फिर मुझे अंदर से सबने हौसला दिया कि ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी। और सबको देख के, अपनों को देख के एक अलग ही खुशी हो जाती है जब अपने घर वाले दिखते हैं। तो इस साल का मेरा बर्थडे कुछ ऐसा रहा और काफी मजा आया मुझे, मुझे सारे ही गिफ्ट बहुत सुंदर लगे। साथ ही साथ मैं प्लान कर रही हूँ एक क्वेश्चन आंसर वीडियो आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो आपके कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे, जो भी आप मेरे लाइफ के बारे में वगैरह वगैरह, लाइक लोग मेरी एज पूछते हैं, लव स्टोरी पूछते हैं, मेरी कास्ट पूछते हैं और मेरी शादी कहाँ हुई है वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ें पूछते हैं, मैंने कितनी एजुकेशन हुई है, मैं क्या करती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ तो क्या करती हूँ, हर चीज़ आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो, जो भी आपके माइंड में चल रहा हो। मैं बहुत ही जल्दी क्वेश्चन आंसर, जब मेरे क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे देन मैं लेके आने वाली हूँ एक क्वेश्चन आंसर वीडियो, जिसमें लाइक मैं अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रही हूँ कि मैं क्वेश्चन आंसर वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो अपने क्वेश्चंस भेजिए, मुझसे पूछिएगा। सो मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।